चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कुल हरि कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक तिथि है, श्री कवि जयदेव गोस्वामी का आज तिथि है। कहते श्री कवि जयदेव गोस्वामी रसी की भक्तों में एक विशेष रसी की भक्त है। कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में जो आए हैं उसका जो मुख्य कारण है, मुख्य में जो मुख्य कारण है, कहते राधा जी के प्रेम की क्या महिमा है और श्री राधा रानी कृष्ण प्रेम रस को कैसे आस्वादन करते थे और कृष्ण का जो माधुर्य कैसे है। कहते ये तीन कारणों को लेकर के इसी जगत में कृष्ण अवतीर्ण हुए। कहते जिस रस को वो गोलोक वृंदावन में भी आस्वादन नहीं कर पाए, कहते ये आस्वादन उन्होंने कहाँ पर की, बोले श्री जगन्नाथपुरी में श्री गंभीरा जी के अंदर है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु कवि जयदेव एक ग्रंथ है जिसका नाम गीत गोविंद है।
इसलिए चंडीदास विद्यापति कहते ये जो तीनों का जो ग्रंथ को महाप्रभु विशेष विशेष पूर्वक इसी को आस्वादन करते थे महाप्रभु, इसलिए कहते इनकी ग्रंथ की इतने महिमा इनके ग्रंथ की। कभी जो गीत गोविंद जो ग्रंथ है उसमें जो मंगलाचरण का जो श्लोक है, हमारे गुरुदेव कोई भी शुभ काम करते थे सबसे पहले कभी जयदेव का जो मंगल गीत है ये मंगल गीत को गवाया करते थे। कहते ये मंगल गीत मतलब कोई भी शुभ काम करो अगर ये गीत को गाते हुए अगर वो शुभ काम किया जाए वो काम बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो जाता है। जो गीत है बोले जय जय दे बहरे, जय जय दे बैगन तोड़ रही थी, तोड़ते समय ये भजन को गा रही थी और जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर वहां भाग गए और उसको पीछे 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 भजन सुनते रहे। जब उनकी भजन खत्म हो गया जगन्नाथ चुपचाप भागकर सो गए। पुजारी दरवाजा खोले देखा ठाकुर का शरीर में कांटा की ताग पड़ी हुई, शरीर में धूल है, कपड़े भी कहीं कहीं फट गए। बोले उन्होंने राजा को बुलाया और सारे पुजारी को बुलाया, बोले देखो ये क्या हो गया जगन्नाथ जी। राजा परम भक्त है राजा, अभी उन्होंने सीधा जगन्नाथ जी के चरण में लेट गए, प्रभु ये क्या लीला, उनको पता ठाकुर तो लीलाधारी है, ठाकुर जी वो अलग अलग लीला करते रहते हैं। इतने में उनको सपना दृष्टि में आया कोई चिंता मत करो मेरी कोई एक देवदासी है, मेरी कोई एक देवदासी मालिनी तो गीत गोविंद गा रही थी और गाते गाते वो बैगन तो बैगन तोड़ रही थी और जिस गीत में कहते मेरी श्री राधा रानी की जिसमें विशेष महिमा श्री राधा रानी की महिमा, इसलिए मैंने वो भजन को सुनने के लिए मैं वहाँ चला गया था, इसलिए मेरे शरीर में ये धूल लग गया है और ये कांटा की दाग, कोई चिंता नहीं मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर राजा को पता चला ये भजन जगन्नाथ जी को बड़ा प्यारा भजन है, इसलिए अभी भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जब जगते हैं इस भजन को सुन करके जगते हैं, जगन्नाथ जब सोते हैं इसी भजन को सुन करके सोते हैं, जगन्नाथ जी जब चादर ओढ़ते हैं जिस चादर में ये भजन लिखा हुआ उसी चादर को ओढ़ते हैं, कद जो माला पहनते हैं एक एक तुलसी पत्ते में उसका एक एक श्लोक लिखते हैं, लिखते हैं उसी माला को जगन्नाथ जी धारण करते हैं, इसलिए अभी उसी परंपरा में ही उसी की परंपरा में अभी जगन्नाथ जी ये भजन अभी तक भी सुनते हैं। मतलब इनकी जो गीत गोविंद जो मंगल गीत है उसमें इतने आकर्षण ये भजन इतने आकर्षण उसका अंदर में, इसलिए जिसमें धीर समीरे जमुना तिरे बसत बनमाली है, इसलिए कैसे भगवान कैसे बासंती रास कहते, कैसे बासंती रास कैसे भगवान कहते हैं उसमें चार रास है,
एक रास है शारदीय रास है, एक बासंती रास है, एक नित्य रास है और एक महारास है। उसमें जो बासंती रास है, जिस बासंती रास में श्रीमद् भागवत में राय रामानंद संवाद में जहाँ पर महाप्रभु कह रहे राय रामानंद को, कह रहा है साध्यर निर्णय, जिनका अंतिम लक्ष्य किया है, तो उन्होंने धीरे 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 कैसे वर्णाश्रम धर्म जातन करनी चाहिए, कैसे कर्म मिश्रा भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति, इसको बाद में कैसे कैसे दास्य भक्ति, कैसे बात्सल्य भक्ति, कैसे श्रृंगार भक्ति, और श्रृंगार भक्ति में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है श्री राधा रानी की भक्ति। जब उन्होंने शारदीय रास की उन्होंने वर्णना की है राय रामानंद ने, कैसे रास करते करते राधा रानी कैसे मान करती हैं, गोपियों के अंदर में कैसे सौभाग्य मत प्रकट होता है, और इतने में राधा रानी जब मान करके चली जाती कृष्ण कैसे उसको अकेला ले करके अपना हाथों से श्रृंगार करते हैं, हाँ उनको मान को बनाते हैं। जब श्री राय रामानंद इसको वर्णना किए, महाप्रभु बोले हाँ तुम तो बहुत अच्छी वर्णना किया है जिसमें राधा रानी की सर्वश्रेष्ठत्व की स्थापन की, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप में नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले कृष्ण ही राधा रानी को छुपा करके लेकर गए। जैसे एक क्लास में एक बच्चे को जो गोल्ड मेडलिस्ट मिलता है ना, वो सबको सामने दी जाती, देखो सारे बच्चों में ये बच्चा सबसे बढ़िया मार्क लाया है, बढ़िया मार्क लाए। कहते यहाँ पर कृष्ण तो राधा रानी को प्रेम की स्थापना की लेकिन छुपा करके गए। बताओ ऐसे कोई प्रमाण है जो सबके सामने कृष्ण राधा रानी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? फिर उन्होंने ये गीत गोविंद इसी ग्रंथ का उन्हें श्लोक उन्होंने उच्चारण किए, बोले कंसारी रपि संसार बासना बद श्रृंखला राधा माधव हृदय तत्तेज ब्रज सुंदरी। कैसे जब राधा रानी रास से अंतर ध्यान हो गई है, सबके सब वहां पर सखियां थी, लेकिन कृष्ण कैसे राधा रानी का नाम को लेकर कुंज में बैठी बैठी करके कृष्ण रो रहे हैं, और कैसे सब गोपियां रहते हुए कृष्ण कैसे श्री राधा रानी को बीच से ही उठा कर कृष्ण श्री राधा रानी को कैसे ले जाते हैं। जो उन्होंने ये बात को बताया ना, बस महाप्रभु खुश हो, हाँ जिसमें राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ तत्व जिसमें स्थापन की गई। इसलिए तद इनके ग्रंथ में बड़ा सुंदर अद्भुत राधा रानी की श्रृंगार रस की, तीन उन्नत राधा रानी के श्रृंगार रस की भक्त की इनके ग्रंथ में विवेचना की गई। कहते इनका जो जन्म है, हैं इनकी जो जन्म है, तरह तरह का बात सुनने को मिलता है, कहीं मिलता है जगन्नाथ उड़ीसा में कहीं जन्म हुए, कहीं कहीं मिलता है इनको बंगाल में कहीं जन्म हुए हैं, ऐसे अलग 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 उनकी मतवाद है। और वहाँ पर एक नदी है, कौन सा नदी को किनारा में उन्होंने भगवान की भक्ति की, उन्होंने भक्ति करते हुए अभी जब उन्होंने बंगाल में भजन कर रहे थे, इतने में एक राजा थे जिनका नाम था श्री क्या नाम कोई राजा बल्लभ सेन, कोई राजा बल्लभ सेन राजा थे। इनको पता चला ये बड़े प्रसिद्ध कवि है, ये बड़े प्रसिद्ध कवि है, इन्होंने जो दशावतार जो स्तोत्र है ना, जब दशावतार जो स्तोत्र है जिसमें प्रलयो पयो धी जले धृता बानसी वेदम विहिता बहित त्रमकेदम केशव धीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे तब प्रिया
अलग अलग समय पर कैसे कैसे अलग अलग अवतार लिया है। कभी उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करते हुए वेद को धारण किया, कभी उन्होंने कुर्मा अवतार लेकर के उन्होंने पीठ के ऊपर मंदलाचल पर्वत को धारण किया, कभी बराह अवतार में आकर के पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किए, कभी उन्होंने नरसिंह अवतार में आकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किए, वामन अवतार में आकर के बलि महाराज को पर कृपा की, कैसे उन्होंने रामावतार में राम रावण को कैसे वध किए। उन्होंने ये दशावतार स्तोत्र में उन्होंने ये प्रमाणित करते हैं ये जितने सारे अवतार किसने धारण किए, बोले केशव धृत, ये कृष्ण ने ही ये सारे अवतारों को कृष्ण ने ही धारण किया, इसलिए उनका नाम केशव। बोले केशव नाम क्यों पड़ा, बोले क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शंकर, बोले इनके जो प्रभु कौन है, ये कृष्ण है। बोले केशव बयाती केशव, मतलब राधा रानी जब कभी मान कर ली वृंदावन की जो श्रृंगार वट में कृष्ण अपने हाथों से श्री राधा रानी की सुंदर चोटी को बनाती है ना, बेणी को बना देती, इसलिए उनका नाम भी केशव है। इसलिए उन्होंने ये स्थापन उसमें करते हैं, इस सारे अवतार को धारण करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण, यही परम ब्रह्म परात्पर तत्व है। इसलिए इसी भजन को सुन करके राजा बल्लाल सेन उन्होंने बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, बोले वाह बड़ा सुंदर उन्होंने भजन लिखे। तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिए, बोले अब आकर के मेरे राज्य में रुको, मेरे राजमहल में रुको। लेकिन वो बड़े बैरागी थे, वो बड़ी बैराग्य थे, बोले भैया हम राजमहल में हम नहीं रुक सकते हैं, हाँ मेरी इच्छा है जहाँ चंपक हाट है, जाते हैं ना नरपति परिक्रमा में चंपा हाट जाते ना, कहते मैं चाहता हूँ वहीं पर रह करके भजन करूँगा। तो राजा ने उनके लिए एक छोटी सी कुटिया उनको उनके लिए बना दिए और वहीं पर रह करके वो भजन करते थे। भजन करते करते वहीं पर जो भजन किया उस समय में उनको से महाप्रभु ने दर्शन दिए, बोले मैं यहीं पर आकर के हैं यही चंपक वर्ण रूप धारण करते हुए राधा रानी का जो अंग करती है ना चंपा फूल, देखे हो चंपक पुष्प है हाँ, वो एकदम राधा रानी का जैसे अंग का रंग है वो उसका वो फूल का रंग ठीक वैसे है हाँ, वैसे फूल है, इसलिए उस रंग को साथ में राधा जी की अंग का कलर का उसमें वर्णना किए है। कत में कलियुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के इसी नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होऊंगा और संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति को विश्व में प्रचार करूंगा, इसलिए यहीं पर महाप्रभु ने उनको दर्शन वहीं पर दिए थे हैं, यहीं पर मैं अवतीर्ण होने वाला हूँ। वहीं पर चंपक नाम का कोई एक मंजरी सखी की वो भी स्थान भी वहीं पर, और चंपक घाट मतलब बड़े सुंदर सुंदर चंपा फूल होता था और लोग वहीं पर बेचने के लिए आया करते थे। वहाँ पर गौरव गदाधर मंदिर है, वहाँ पर हम लोग नवद्वीप परिक्रमा में हर बार वहीं पर जाते हैं उसी मंदिर में। इसलिए फिर जब वहीं पर भजन करते थे इतने में उसी समय पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो अपना एक दिन वो वहीं पर उन्होंने जब भजन करते थे फिर जगन्नाथ जी की आदेश हुई है, बोले तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, जगन्नाथपुरी तुम जाओ। अभी उन्होंने महाप्रभु का आदेश पा करके जगन्नाथ जी को आदेश पा करके उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी आते हैं। जब जगन्नाथपुरी में आए इतने में पहले कोई एक ब्राह्मण था जिसने जगन्नाथ जी के पास में बहुत प्रार्थना किया, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, उन्होंने जगन्नाथ जी के पास में जाकर बारम्बार प्रार्थना करते थे ठाकुर जी हमें एक संतान दो। फिर जगन्नाथ जी की कृपा से उनको एक बड़ी सुंदरी प्यारी बेटी घर में जन्म हुई। जब बेटी जन्म हुई इतने में वो शादी के लायक हो गई, अभी सोच रहे इसको शादी कहाँ करवाए। इतने में जगन्नाथ जी स्वयं बताए तुम अपना बेटी को लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़े संत हैं हाँ कवि जयदेव है उनको लेकर के तुम्हारी बेटी को उसको साथ में शादी कराओ। इतने में उन्होंने अपना बेटी को ला करके बोले जगन्नाथ जी का आदेश है ये बेटी को ग्रहण करो। बोले भैया हम तो संसार का चक्र में हम फंसना नहीं चाहते, ये बड़ा दुखमय संसार है, हम ये संसार चक्र में फंसना नहीं चाहते, हम तो भगवान की भक्ति करो तो ये मस्त में रहना चाहते हैं। अभी जगन्नाथ जी का आदेश तो उन्होंने
फिर बेटी को लेकर उनको पास में रख करके उसको पिता चले गए। जब चले गए इतने में कभी जयदेव ने बताया, बताओ तुम अभी कहाँ जाओगे, तुम जाओ बोलोग ना तुम हम वहीं पर लेकर छोड़ कर आ जाऊँ। बोले पिता तो आपका शरण में हमें दे दिया, इसलिए आप ही मुझे ग्रहण करो, नहीं अगर आप ग्रहण मुझे नहीं करोगे फिर तो मैं आपको ही अपना पति परमात्मा परमेश्वर मान लिया, अगर आप ग्रहण नहीं करोगे आपके सामने मैं आत्महत्या करती हूँ। फिर वो तो फंस गए तो फिर उसके साथ में उनके शादी कर ली। शादी किए तो कहते जब उनके साथ में शादी की, बोले एक समय उन्होंने जो गीत गोविंद ग्रंथों को लिख रहे थे, वो लिखते 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 उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा है कैसे एक समय कृष्ण राधा जी को पास में राधा रानी कृष्ण को पास में उनको एक सुख है राधा रानी की। कहते उनको विशेषकर तीन सुख उनको बताया गया, एक तो विचक्षण सुख है, एक है मंजूभाषी सुख है, और एक सुख है जिसका नाम सुभा, सुबह एक सुख है। ऐसे उनका तीन तोता है, ये जो तीन तोता में एक तोता है, ये कृष्ण अगर कोई मैसेज राधा रानी के पास में पहुंचाते हैं, राधा रानी कृष्ण के पास में भेजते हैं ना, ये सुख उनको पास में खबर को देर लेने करती है, आज कहाँ पर कुंज बनेगा, आज राधा कृष्ण के मिलन कहाँ होगी। अभी दोनों ने भेजे राधा रानी को, बोले आज हम यहीं पर आज मिलेंगे। तो राधा रानी अपना सखियों को साथ में आकर के बड़े सुंदर वहाँ कुंज को निर्माण करती है। इतने में कृष्ण सखाओं को साथ में गया चराते हुए आए, आकर के जब आग कुसुम सरोवर पर आए, इतने में राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण के लिए एक सुंदर पान की बिड़िया भेजती है और दो चंपक पुष्प भेजती हैं कान में कुंडल के लिए, और अपना हाथों में बनाया हुआ एक फूल की माला भेज देती है वृंदा को द्वारा, तुम जाकर कृष्ण को उसको देकर का पास। कृष्ण के गले में राधा रानी को बनाया हुआ फूल की माला और राधा रानी के द्वारा भेजा हुआ जो तो फूल है वो एकदम राधा रानी अंग की रंग जैसे है, राधा रानी के शरीर जो खुशबू निकलती है, और राधा रानी का हाथ में बनाया हुआ जो पान की बिड़िया जब कृष्ण खाते हैं फिर तो राधा रानी का प्रेम में कृष्ण उतावला बन जाते हैं। फिर सखाओं को कहते हैं मैं अभी अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इतने में कृष्ण बहाना बना करते कृष्ण आ ही रहे थे, इतने में चंद्रावली भी पता है कृष्ण गैया चराने के लिए आए यही ना कहीं वो भी कृष्ण के लिए सुंदर कुंज बनाकर बैठी हुई उनकी एक सखी पद्मा, जैसे ललिता विशाखा राधा कृष्ण को मिलन कराती है, पद्मा क्या करती है ये कृष्ण को चंद्रावली को साथ में मिलाती है। कृष्ण जब आ रहे इतने में पद्मा मिल गई, बोले तुम कहाँ जा रहे हो, हमारी सखी जो चंद्रावली आपके लिए कुंज बना कर रखी। कृष्ण बहाना बना रहे थे, बोले आज मेरी कोई विशेष के निमंत्रण जल्दी जाना है। इतने में पद्मा आ गई, बोले हमें सब कुछ पता अब राधा रानी के पास में जा रही। इतने में उनको तो जोर जबरदस्ती अपना पास में ले गए। वो जो तोता देख रहा था, इतने में वो तोता जाकर के श्री राधा रानी को बोल दिया आज तुमने इतने सुंदर कुंज बनाया श्रृंगार की सब बेकार हो गया। बोले क्या, बोले बीच से कृष्ण अपहरण हो गया, कृष्ण बीच से वो अपहरण हो गए। इतने में राधा रानी मान कर लेती है, जब राधा रानी मान करती है फिर जब कृष्ण लेट में आते हैं, इतने में राधा रानी इतने दुर्जय मान की किसी तरह से राधा रानी का मान किसी तरह से उतर नहीं रहा है मान है। इतने में राधा रानी बोले इतने लेट क्यों हुआ, कृष्ण झूठ बोल देते हैं, बोले तो मैं आ रहा था जल्दी जल्दी एक तमाल वृक्ष में एक माधवी लता को ऊपर उठते हुए देखा, तमाल वृक्ष तो मेरा रूप है और माधवी रूप तुम्हारी स्वरूप है, जब तुम्हारे मिलन की देखा है ना तुम्हारी याद आया तो मैं बेहोश हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया है, प्यार में इनका सिंदूर लगी हुई, तो बोले ये दाग कहाँ से आ गया, बोले कांटा गड़ गया, बोले हमें सब कुछ पता तुम कहाँ से आ रहे हो, मेरे को पहले से ये सुख ने बोल दिया। इतने में कृष्ण बहुत मनाने के लिए कोशिश करते हैं, जब किसी तरह से नहीं मानती, ये कभी जयदेव सब चीज़ को देख रहे हैं कभी जयदेव सब चीज़ को देख रहे हैं, जब किसी तरह से मान को नहीं मना सकती है उसी समय में इतने कृष्ण राधा रानी को कहते हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव उदारम। कृष्ण लास्ट में अपना मयूर मुकुट उतार करके राधा रानी के चरण में रख लेते, बोले क्यों, बोले हे राधे मेरा नाम है नटवर, नटवर मतलब जितने सारे दुनिया में नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ मैं नृत्यकार हूँ,
इसलिए मयूर का नृत्य बड़े सुंदर है, इसलिए मयूर पंख लगाते हैं, कृष्णा सबसे सुंदर नृत्य करते हैं। बोले सारे नृत्य विद्या तेरे चरण में रख दिया, अपना बंसुरी की उतार कर रख देते। बोले क्यों? बोले सारा दुनिया को बंसुरी से मैं मुग्ध करता हूँ, ये बंसुरी का जितने करामती तेरे चरण में रख दिया है, लेकिन तब भी राधा रानी नहीं मानती है। फिर कृष्ण कहते हैं, राधे आज इतने क्यों मान की हो, मान तो छोड़ दे, तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरण तो बड़े कोमल हो, तुम्हारे चरण तो बड़े कोमल उदार चरण है, तुम्हारे चरण में मैं अपना सर को नमा देता। जो इतना बताने के लिए जा रहे थे, कभी जयदेव तो है, कभी जयदेव का दिल है एकदम कांप उठा, कहा ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है और क्या कह रहे हैं, तुम्हारे चरण में सर रख देता हूँ। कभी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे, ये कह रहे क्या तुम्हारे चरण में रख दो, ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है। उनका हाथ कांपने लग गया, वो लिख नहीं सकता, विजय देव लिख नहीं सके तो पत्नी को बोले अभी मैं समुद्र में स्नान करके आता हूँ। जब इतने में गए, इतने में स्वयं कृष्ण आ गए, उसकी पति का रूप जयदेव का रूप धारण करते हुए आए। बोले बीच में एक पद याद आ गया, भूल नहीं जाऊं, दो तो कापी दो तो। जब दिए कृष्ण स्वयं पद को, दही पद पल्लव उदार है, इसलिए तुम्हारे उदार चरणों को मेरे सर पर रखो। कृष्ण स्वयं सोने के अक्षर में लिख करके पास चले गए। पति जो गए थे अभी वापस आ गए, बोले अब इतने जल्दी कैसे आ गए हो, अभी अभी तो गए। बोले नहीं मैं तभी से गया था। बोले नहीं अभी आए थे ना, बोल रहे थे कि पद याद आ गया, भूल नहीं जाओ, मैं कापी दिया लिख कर गए। बोले कापी लाओ, देखा तो जो चीज को वो लिख नहीं सके कृष्ण, वो चीज को लिख कर गए। फिर तो कभी जयदेव पत्नी को चरण में गिर जाते हैं, तो कितने सौभाग्यवती वो छलिया छल करके चले गए, उसको मैं दर्शन नहीं कर पाए, तुम दर्शन किए हो। इसलिए उन्होंने बोले ये स्वयं कृष्ण ही थे, मैं जिस पद को लिख नहीं सके कृष्ण आकर के स्वयं इसको लिख कर गए हैं। इसलिए किस समय बड़ी धूप था, वो अपना जो ये होता ना भूस का घर बना रहे थे, जब बड़ा धूप था उस समय भूस के घर बना रहे थे, और उनका जो विग्रह है राधा माधव है जयपुर में, हम गए थे ना कनक वृंदावन में, कभी जयदेव का उनका विग्रह, और एक मिनट खत्म कर दे। इसलिए एक समय उनने बना रहे थे अपना घर, बड़े गर्मी था, गर्मी था तो इतने में कृष्ण देखा बड़ा गर्मी है, ये तो बना रहे हैं अपना ये छत जैसे ना, वो भूस का बना रहे हैं। इतने में कृष्ण स्वयं आ गए, और आ करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको मदद कर रहे हैं और वो ऊपर का छत बना रहे हैं। बड़ी जल्दी बन गया, जब बड़े जल्दी तैयारी हो गई तब तो उन्होंने नीचे उतरे, नीचे उतरे देखा कोई है नहीं। बोले अरे मेरे को ये मदद कौन कर रहा था, और इतने जल्दी बन गया कैसे है, इतने कहते हो ही नहीं। तो उन्होंने पत्नी को बोले तुम तो मेरे को मदद नहीं कर रहे थे। बोले नहीं मैं तो थी नहीं, मैं तो घर की काम कर रही थी। फिर जो मंदिर के घर में जाते हैं ना, देखते जो ठाकुर जी जो है कहते जो ठाकुर जी कहते श्री ठाकुर जी देखा उनको सारा शरीर में काला काला पड़ा हुआ, और जो ये होता है भूस है उनका सारा शरीर में लगा हुआ है ठाकुर जी का शरीर में। फिर तो समझ गए अरे यही तुमने जाकर के मदद कर रहा था मतलब ये ऐसे कभी हुए बड़े रसिक कभी हुए ऐसे कभी जयदेव है। इसलिए आज उनकी पता नहीं त्रिभाव ना अभ्रिभाव तिथि है, हम सब के सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं, वो हम सबको करने